हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी। देखो ये कोकोपीट कैसे वॉश कर रहे हैं, बहुत इजीएस्ट वे में बताऊंगी, जो अपने हाथ वाथ में भी नहीं चिपकेगा ना कुछ, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो ये मेरी कोकोपीट की ब्रेक है, ये रही, ठीक है। और ये देखो ये टू लाइव, इससे मैं इसमें से ऐसे ऐसे इसको निकाल लूँगी करके, ठीक है। इसे ऐसे निकाल के देखो, ये ऐसे निकल जाएगा ऐसे। इसको अपन एक बताती हूँ, देखो ये मैंने इस वाले कपड़े के बैग में डाल लिया है, ये रहा ऐसे पतला। ये कॉटन का कोई कपड़ा हो या कोई साड़ी वाड़ी का, दुपट्टे का, कुछ का भी हो अपना, ये हमारे यहाँ पे तो ये शॉपिंग में आते हैं ना, तो उसका बैग है। इसको ऐसे लिया और मैंने पानी भर लिया इसमें, मैं इसमें इसको डाल दूँगी यूँ पकड़ के। देखो ऐसे देखो, ये सारी गंदगी इस पानी में निकल गई है। इसको अपन ऐसे ऐसे यूँ कर लो, कुछ ज़्यादा आफत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे उसमें अपन चलनी वगैरह ऐसी करें तो कुछ उसमें चिपक जाता है, परेशानी होती है। फिर ये इसको ऐसे करके एक बार और साफ पानी में दूसरे में निकाल लो चाहो तो। वैसे तो निकल लिया इसका जो, ये धोना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें साल्ट आता है, वो जो फिर अपने जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लिए नुकसान करता है वो, इसलिए इसको धो लेना चाहिए पहले। धो के सूख जाए तो और बेटर है, बाकी कोई ऐसी ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। मैं तो मिला लेती हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा पानी इसमें रखे रखा निचुड़ जाएगा, उसके बाद में आराम से। इसमें मिट्टी भी बहुत निकलेगी जो नीचे ना, देखो कितनी वो निकली है इसमें से, एकदम साफ हो जाएगा ये। वैसे तो खैर प्लांट्स के लिए मिट्टी तो चाहिए होती है, लेकिन जो ये मिट्टी होती है ना इसमें नमक ज़्यादा होता है, एसिडिक सी होती है ये कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने कोकोपीट को ऐसे इजीएस्ट वे में धोएं, मिलाएं इससे, इसको जब पॉटिंग मिक्स में मिलाते हैं ना तो वो भुरभुरी बनती है। अपन खाली बजरी का भी मिलाते हैं ना, तो बजरी का भी क्या होता है, मिट्टी और बजरी होती है ना जो खाली, तो वो भी एकदम बाद में धीरे 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 वो टाइट फॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए जिस कोकोपीट मिलाते हैं ना, तो मैंने मिला के देखा, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो देखो ये मैंने आपको दिखाया था पहले, एक पॉटिंग मिक्स बनाया था जब मैंने, उसमें मिलाई थी। देखो ये बिल्कुल एकदम भर हो रहा है, अभी तो बारिश आई है इसलिए गीला हो रहा है, लेकिन इसमें ये ऐसे बिल्कुल नहीं बना कि भाई अपना हाँ पत्थर जैसा हो गया, वो हार्ड हो गया वो। ये थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी प्लांट्स लगाते रहिए बारिश का मौसम में, अब ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट्स मरेंगे भी कम, बाकी सब लोगों के मरे हैं प्लांट्स। अब की बार भीषण गर्मी थी हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा, खैर अब प्लांट्स का अच्छे दिन आ गए और हमारे भी। मैंने बीच में वीडियोस लेने डाली थी फ्रेंड्स, मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी मेरे को धूप से गर्मी से, इसलिए अब अभी भी है लेकिन अब काम तो करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप भी प्लांट्स लगाइए, बहुत सारे लगाइए, औरों को भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।